उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के थाना निचलौल पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त टीम द्वारा की गई कार्यवाही में 25,000 का इनामिया वांछित गैंगस्टर गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक महाराजगंज डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा गैंगस्टर व पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी निचलौल सुनील दत्त दुबे के देखरेख में 28 मई को गैंगस्टर एक्ट का सक्रिय वांछित पुरस्कार घोषित अपराधी सुनील साहनी पुत्र श्रीराम साहनी निवासी मल्हा टोला वार्ड आदर्श चौराहा थाना रुद्रपुर जनपद के देवरिया को जनपद महाराजगंज की एसओजी टीम व थाना निचलौल पुलिस टीम ने दिनांक 27 दिसंबर से फरार को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार की घोषणा की गई थी। इसने कई लोगों को कागज के नोट की गड्डी बनाकर उन पर असली नोट बनाकर और लोगों को धोखा देकर पैसे को ये ठगता था। इसने जनपद में कई घटनाएं की, इसके बाद ये गिरफ्तार हुआ, जेल भेजा गया। ये जेल से छूटकर फरार हो गया था तथा ये थाना निचलौल के गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। काफ़ी प्रयास के बाद जब ये गिरफ्तार नहीं हो सका तो इस पर 25,000 रुपये का श्रीमान पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा पुरस्कार घोषित किया गया। निचलौल के प्रभारी निरीक्षक रामज्ञा सिंह और हमारी जो क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम थी उसको इसके बारे में सूचना मिली। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।